वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी दिन के 3 बज रहे हैं, ये देखिए दिन के 3 बज रहे हैं। हसन साहब अभी सो के उठे हैं। हसन ये मिनट भर शर्माता रहता है क्योंकि भाई इसको आती है बहुत शर्म। और अभी सो के तो नहीं मैं उठा, मैं 12 बजे सो के उठ गया था। मैं मैच करने चला गया था, जैसे आप सबको पता है संडे है, आज संडे का दिन है। और अभी 2 बजे नाश्ता हुआ और अभी मैंने कहा 3 बजे थोड़ा सा व्लॉग बना लें, हसन को भी दिखा लेते हैं। हसन शर्मा रहा है, बस हसन की एक्टिंग है और ये कुछ भी नहीं है। और अभी मम्मा खाना बना रही हैं और अभी देखती हूँ मम्मा क्या बना रही हैं। और अभी घर की सफाई हो रही है सुबह ही सुबह, और अभी चलते हैं मम्मा की तरफ। एक दो हफ्तों से थी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए हमने व्लॉग भी नहीं बनाया। और क्या कहते हैं, कल मंडे है तो कल मम्मा को चढ़ेगा ब्लड। और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ मम्मा से। ये रही मम्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे आपकी दुआओं से। बस मैं भी ठीक ही हूँ फिलहाल, अल्लाह का शुक्र है बहुत। तो अब ये है कि मुझे 2 हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, थोड़ा सा मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मुंह ठीक हो गया है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ना अटक अटक के बात करती हूँ, क्योंकि फालिश का असर कहीं ना कहीं तो आता है ना। तो मुंह मेरा जब टेढ़ा हुआ था ना, तो जब से ही मेरी जबान जो है ना वो थोड़ी सी ना रुक रुक के बात करने लगी थी, मैं जैसे मैं अटक जाती हूँ, कभी ज़िंदगी में मैं अटकी नहीं। तो अभी डॉक्टर ने कहा है खून की बहुत ज़्यादा कमी है, 6 पॉइंट खून है मेरा। तो अब मैं कल ब्लड लगवाने जाऊँगी इंशाल्लाह। आप लोग सब दुआ कीजिए मेरे लिए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह फिर आपसे रोज़ाना ब्लॉगिंग करेंगे, फिर जो रूटीन होगी डेली रूटीन हम आपको दिखाएंगे। इतना बड़ा हो गया है हसन, पर अभी भी दूध पीना नहीं छोड़ते, स्कूल जाना नहीं है हसन ने। हसन स्कूल नहीं जाना है, स्कूल जाना है हसन, स्कूल जाना है आपने? नहीं, हसन को शर्म आ रही है। तो आज संडे का दिन है, सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं, आज धूप ही निकली हुई है। 3 दिन से बहुत अच्छा मौसम था, बारिशें हो रही थी लाहौर में। तो अब ये कि बस अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत सुकून है। कहते हैं अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं जाने लगा हूँ बाहर, और देखें अभी तक गीला है, अभी देखें अभी तक गीला, अभी मैं गिरने लगा था। अभी मैं जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, मोबाइल हाथ में था मेरे, बहुत बुरा गिरने लगा था मैं, बहुत बुरा। वो तो शुक्र है मैंने गेट के ऊपर पकड़ लिया था। और क्या कहते हैं, हमारा जो है ना फ्रेश जो ऐसा है, ये फ्रेश जो है ना ये ऐसा है, इस पर थोड़ा सा पानी डालो तो ये क्या कहते हैं स्लिप होने वाला होता है। एक तो है ना दूसरे फ्रेश होते हैं बहुत स्लिप नहीं होते भाई, ये ऐसे लगा इसमें लगा संगे मरमर लगा हुआ स्लिप ही होता था पूरा। और क्या कहते हैं अभी बाहर जाऊँगा, फिर अभी आपको आज का पूरे डेली व्लॉगिंग दिखाते हैं। और आज से पूरे व्लॉग आएंगे, हर एक एक दिन व्लॉग आएगा, डेली व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि एक दो हफ्ते से सुनील ने बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है मम्मा की तबीयत बहुत खराब थी, अभी इनको ब्लड चढ़ना है कल। और अभी बादल निकले हुए थे लेकिन अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। और इधर से देखिए आप बच्चे क्या करते हैं खेल रहे हैं। और हमने तो खेल लिया था क्योंकि भाई मैंने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि भाई सुबह सुबह थी और मैं भूल गया मैंने कि व्लॉग भी स्टार्ट करना है कि नहीं। वैसे एक दो हफ्ते से नहीं बताने थे, फिर मैंने कहा आज भी नहीं बनाते, लेकिन मम्मा ने कहा आज व्लॉग बना लो, अब से डेली व्लॉग आपने बनाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। और क्या कहते हैं अभी जाने लगे हैं बाहर, और अभी धूप निकल आई है, दोबारा से धूप निकल आई है। तो जी सफाइयाँ हो गई हैं, अब मैंने सालन दोपहर का करा दिया है, आज हम पका रहे हैं तोरियाँ। तोरियाँ पक रही हैं जी आज, और यहाँ आज सारा बर्तन हो गया,
आप सब लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरी ज़बान जो है ना वो अभी भी मेरा साथ नहीं देती। जैसे बंदा कंटिन्यू बात करता है ना, ऐसे मुझसे बात नहीं होती अभी ना। तो बस इंशाल्लाह कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इस वजह से डॉक्टरों ने कहा है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम बन गया है। तो बाकी आप लोग सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाऊँ और पहले की तरह फर बोलने लग जाऊँ। तो बाकी ये कि आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आज ना मौसम 3-4 दिन से लगातार बारिशें लाहौर में हो रही हैं, तो माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो बस ये कि चलें, जैसे डेली जैसे जैसे दिन गुजरेगा हम आपसे मिलते रहेंगे। खाना वगैरह डाल दिया, इनका पानी भी चेंज कर लिया, और अभी ये देखें अभी इनका दाना बिल्कुल फिनिश हो चुका है, और अभी इनके जो दाने का छोपड़ नहीं होता वो मैंने फेंक दिया डस्टबिन में। और अभी माशाल्लाह से देखें तोते काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन जो उसके बच्चे हैं ना वो अभी जल्दी नहीं बड़े होंगे, क्योंकि उनको आए हुए पता नहीं कितने महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, लेकिन अभी मैंने किसी से सुना अभी बड़े नहीं होंगे, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता होंगे। तो ये जो है ना ये पूरा स्लिप होता है, इसलिए मैं पैर भी आना अपना दबा दबा के चल रही हूँ, जमा जमा के चल रही हूँ। और ये देखें भाई ये तोता हमारा सबसे बड़ा है, ये वाला ये वाला, ये जो ब्लू वाला है ना ये वाला। और अभी मेरी साइकिल भी ख़राब पड़ी, अभी मैं अपनी साइकिल भी चेक करवाऊँगा 3-4 दिन तक। ये हसन की साइकिल है, ये भी पहले मेरी साइकिल थी जब मैं 5 साल का था, लेकिन ये मैंने हसन को दे दी, क्योंकि भाई मैं क्या अब हसन दे देता, अब मेरी साइकिल पंक्चर रही है पिछला टायर। देखें जी हसन सो के उड़ गए, क्या हुआ हसन हैं, हसन का मूड ख़राब है आज, क्या हो गया, क्या हुआ, सलाम करो, हेलो दोस्तों बोलो, कैसे हैं बोलो आप, बताओ दोस्तों को बताओ। हाँ बोलो मैं ठीक हूँ, मम्मा की तबीयत ख़राब है। हाँ चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, बच्चों की जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं बच्चे तो बस पागल ही हो गए हैं, खूब क्रिकेट खेलने लग गए हैं बच्चे। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, अगर यहाँ से कुछ नज़र आ जाए तो हाँ जी ये जी हमारे गुजगिरी का माहौल इस तरह का है, तो बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं जी, बच्चे खूब पागल हुए हैं, रोज़ाना बच्चे माश क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों की तो बस मौजें हो गई हैं। बोलो आप आपको मोबाइल दे दूँ मैं, क्यों दे दूँ मोबाइल मैं आपको, ये देखें जी बच्चे कैसे गली में माशाल्लाह खेल रहे हैं खूब। सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं घर की, बेटी मेरी माशाल्लाह घर संभाल लेती है, सफाइयाँ वगैरह कर देती है, सफाइयाँ वगैरह कर रही है, घर की सारा काम हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी है मेरा साथ देने के लिए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने घर संभाल लिया, तो ये कि सारा काम वगैरह मेरी बच्ची कर लेती है। अभी भी देखें स्वेलिंग मेरे मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है, तो जब तक उन्होंने कहा है कि ब्रेड नहीं चढ़ेगा ना आपको, तब तक आपके अंदर से ये कमज़ोरी नहीं जाएगी, जो ज़बान से मुझसे बोला नहीं जाता ना, रेगुलर कंटिन्यू बात नहीं होती मुझसे ना, तो उन्होंने कहा कि ब्लड चढ़ाएं, ब्लड अभी मुझे अरेंज नहीं हो रहा कहीं से, किसी को कहा हुआ है ब्लड के लिए ना, अभी देखें ज़रा इंशाल्लाह ताला जल्द इंतज़ाम हो जाएगा, तो फिर हम मंडे को आज संडे है, कल मंडे को हम फिर इंशाल्लाह ब्लड चढ़ाएंगे। ये देखें ना मैं अटक जाती हूँ बात करते करते ना, मुझसे नहीं बोला जाता, इस
से भी मैं व्लॉगिंग नहीं बना रही थी, लेकिन मैंने कहा अगर मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो फिर मेरा चैनल बंद ना हो जाए कहीं, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ कि मेरा चैनल ना बंद हो जाए दोबारा से। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना चैनल बनाया है मैंने, तो इंशाल्लाह कोई मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि मैं व्लॉगिंग ना कर सकूँ। एक ज़बान का ही इशू है ना, बाकी कमज़ोरी है, बाकी मैं बेहोश हो जाती हूँ। मैं अगर मुझे वक्त में कुछ खाऊं पीऊँ ना तो मैं बेहोश भी हो जाती हूँ, तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि इसके खून की कमी की वजह से आपको हो रहा है, बाकी इंशाल्लाह जब आपको खून चढ़ेगा। पता नहीं मम्मा को क्या हो जाता है, बाकी सब आप मेरी दुआ कीजिए। ये अब्दुल्ला आ गए बाहर से खेल के। अब्दुल्ला क्या करने गए थे बाहर? बच्चे क्रिकेट नहीं खेले बाहर? तो आप भी खेलो जाके जाओ। भैया ये तो हर टाइम ना बस रिमोट नहीं कहते कि रिमोट क्यों ले लिया, नहीं करो अब्दुल्ला। तो यहाँ तो मैंने तुरई बनाने रखी है, तुरैया इंच बस बन गई है, इसकी बुनाई करने वाली है ये, इसकी बुनाई करनी है बस मैंने। साथ में हमने निकाल के रखा है गोश्त, मैंने कहा चलें ये आज संडे का दिन है, कोई मेहमान वगैरह शाम को भी आ सकता है, तो मैंने चलें बच्चों को मैं आज थोड़ा सा ना कौरमा बना के दे दूँ, क्योंकि मेरी जब से तबीयत ठीक थी बच्चे बस ऐसे ही कुछ खा रहे थे, कभी कुछ बना के इनके पापा ने दे दिया, कभी कुछ बना के दे दिया, तो बच्चे कह रहे मम्मा आज हमने ना कौरमा खाना, मैं बच्चों को कौरमा बना के दे देती हूँ। बज रहे हैं 6 और इस वक्त अभी मैं फारिग हूँ गेम खेल के, अभी मैं पबजी खेला था और अभी गया हूँ और अभी गया था रोटियाँ लेने अपने खाने के लिए, और मम्मा और आयदा भी गए हैं बाज़ार क्योंकि शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, वैसे ही आपको पता घर के जो होते हैं सामान वगैरह वो ग्रोसरी ऐसे कुछ शॉपिंग करनी थी, अभी बाहर गए हैं वो लोग। और क्या कहते हैं, मैं और पापा और हसन हैं घर में, हसन ने अभी पापा के मोबाइल की बैटरी पूरी ख़त्म कर दी है, लेकिन ये जो मोबाइल जिससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ इस पर मैं पबजी खेलता हूँ, लेकिन इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसकी 4000 mAh है लेकिन मैं इसको चार्जिंग पर लगा के खेलता हूँ क्योंकि बैटरी कम हो जाती, अगर डेड होते हैं फुल, अगर जैसे मैं ना 20 से ऊपर अगर होती है ना बैटरी फिर मैं लगा के खेलता हूँ, अगर 20 से नीचे होती फिर नहीं मैं लगाता क्योंकि मोबाइल का ख़राब होने का भी डर होता है इसलिए। और अभी खाना खाएंगे और मम्मा मुझे इसलिए नहीं लेके गई बाज़ार क्योंकि भाई मैं थक जाता हूँ चलते चलते, साफ सी बात है मैं थक जाता हूँ क्योंकि जरा मुझे शौक नहीं है बाज़ार में जाने का। और अभी का कुछ सीन ऐसा है, अभी तोतों का मैं बाहर भी गया था जब रोटियाँ लेने गए, उससे पहले बाहर गए थे भाई दाना लेके आ गए हैं तोतों का, और क्या कहते हैं अभी उनको डाल तो दिया है लेकिन वो मैंने आपको दिखाया नहीं, और मक्खी बड़ी तंग कर रही है। और क्या कहते हैं अभी मैं नाश्ता कह रहा हूँ, अभी मैं खाना खा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जी मैं बाज़ार गई भी थी, बाज़ार से मैं वापस आ गई हूँ, घर का सामान सारा ख़त्म हो गया था, वो लेने के लिए मैं गई थी, सौदा वगैरह घर का सारा ख़त्म हो गया था, तो मैं और आयजा हम दोनों बाज़ार गए हुए थे, अब बाज़ार से आई हूँ, फिर से वही तबीयत ख़राब हो रही है दोबारा से मेरी ना, तो बस बीपी डाउन हो रहा है। ये हसन साहब हो रहे हैं, ये कह रहे हैं मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए, ये अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, क्यों रो रहा है ये, पता नहीं क्या चाहिए सर आपको, मोबाइल देना है, ड्रामे चल रहा है, ये इसके ड्रामे मोबाइल मांगने के, बस मोबाइल चाहिए इसे हर टाइम ना। तो हम बाज़ार से आ गए, घर का सामान वगैरह लेने के लिए गए हुए थे, बोली आए हैं। तो चलें जी आज का व्लॉग बस यहीं तक था, इंशाल्लाह अच्छे मैं बस कल अपने यहाँ जाऊँगी ड्रिप लगवाने के लिए, ब्लड लगेगा कल मुझे, तो बस उसके बाद इंशाल्लाह मैं बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह ताला आ जाऊंगी। फिर ये जो अटक अटक के मैं बात कर
करती हूँ, ये भी नहीं इंशाल्लाह होगा, कमज़ोरी दूर हो जाएगी। आप सब ने मेरे लिए दुआएं करनी है बहुत सारी, और मेरे लिए ख़ास करके आप लोगों ने दुआएं करनी है। तो चलें आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बिना अल्लाह हाफिज़ कह दो, अल्लाह हाफिज़ तो बोलो। देखो उसके नखरे देखो कितने हैं, अल्लाह हाफिज़ नहीं बोला, अल्लाह हाफिज़ ना।